तो देखो, जिमनी लेना फायदे का सौदा रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो खैर तो वो सब जो तरीका था हाइप बनाने का ही था। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो आपको मिल रही है, ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो गए। तो मैं गया हुआ था श्री हेमकुंड साहिब, तो ट्रिप के चक्कर में जो है वीडियो बिल्कुल बंद थे अभी गाड़ी के, तो आज मिल रहा है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि जिमनी का प्राइस आ गया है। तो आज की जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं हम, उसमें ये जिमनी का प्राइस ही डिस्कस करेंगे, और ये भी पता करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई, कौन कौन जिमनी लेने के लिए जा रहे हैं इस प्राइस में, और क्या ये वर्थ है प्राइस या नहीं है, क्या आपका राय है, आप भी आप कमेंट करके बता सकते हो अपने। हाँ तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो अगर हम बात करें प्राइस की, तो देखो प्राइस तो सबको पता चली गया है पूरे में, मतलब बाउंडर कट गया होगा अब तक तो, और सबको पता है कि भाई प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है, जो उसका बेस वेरिएंट है जेटा और मैनुअल में, तो उसका प्राइस जो इन्होंने रखा है 12,74,000, 12.74 लाख, तो ये रखा है। अब बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें, तो बेस वेरिएंट पे इस प्राइस में जाना क्या सही रहेगा नहीं रहेगा? ओवर प्राइस तो नहीं लग रही? ज़्यादातर लोगों को ओवर प्राइस लग रही है, काफ़ी लोगों से मेरी जिनसे भी बात हुई है तो उनको ओवर प्राइज लगी इस जो प्राइस रेंज है इसमें, और लगभग 15 के अंडर ना टॉप वेरिएंट भी आ रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी ये ठीक लगी कि भाई जो है अगले वेरिएंट्स, दो ही वेरिएंट है वैसे इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, 15 के अंदर जो ऑटोमेटिक आ रहा है अल्फा का, और जो इसके दोनों वेरिएंट है उनमें लगभग 1 लाख के आसपास इन्होंने प्राइस का अंतर रखा है। भाई ये 12,74 है, तो अगला वाला जो रखा है वो रखा है इन्होंने 13.69 लाख, तो मतलब लगभग 1 लाख का अंतर आप मान कर चल सकते हो, 95,000 का अंतर है दोनों वेरिएंट के अंदर। तो ये तो हो गई अपनी प्राइस से रिलेटेड बात। भाई अब बात करते हैं मुद्दे की, कि ये प्राइस जो दिया है मतलब मारुति सुजुकी ने, क्या वर्थ है या नहीं है? तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई इन्होंने जो प्राइस दिया, उसको प्राइस को देने में ही इन्होंने 6 महीने लगा दिए पूरे, और इससे क्या बातें समझ में आती हैं? इससे दो बातें समझ में आती हैं, या तो भाई आपको आइडिया नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस का है। हाँ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जब आपने प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया उसमें कितनी लागत आई, कितने तक का वो होना चाहिए, तो आपको पहले ही पता होती है ये चीजें, और ऑलरेडी मतलब दूसरे कंट्रीज में सेल हो रही है, तो फिर तो आपको पता ही है कि भाई इस कंट्री में हम इस प्राइस में बेच रहे हैं, तो हमें इंडिया के अंदर इस प्राइस में हमें ये गाड़ी देनी है। एग्जैक्टली तो देखो 6 महीने या 3 महीने या कुछ भी महीने वेट कराने का मतलब तो सीधा सीधा यही होता है कि आप ना एक जजमेंट ले रहे हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना रखा जा सकता है प्राइस, बुकिंग को देख के कि भाई लोगों में क्रेज कितना है। ये तो हमारे देखो इसका सीधा मतलब ये होता है कि सपोज हमारा प्रोडक्ट 10 रुपए का है, और 10 रुपए का तो मुझे बेचना ही है एंड ऑफ द डे, बट मैं कितने तक बेच सकती हूँ उसको, 15 तक बेच भी सकती हूँ या नहीं, वो आप लोगों का उसकी तरफ रुझान देखते हो। हाँ। अगर आपको समझ आ गया कि भाई रुझान लोगों का है तगड़ा, तो आप उसे 15 तक भी बेचने का सोचोगे। तो यही एक तरीका होता है, जो प्राइस ज्यादा आते हैं ना कई बार कार्स के, या मतलब कार अभी तो फिलहाल हम कार की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जब वेटिंग पीरियड के बाद सडनली ऐसा बॉम्ब फूटता है, ज्यादा प्राइस आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने बुकिंग्स बहुत ज्यादा कर ली होती है बहुत लोगों ने, मतलब और इन लोगों ने जज कर लिया होता है कि भाई क्रेज है इस कार का और इसका प्राइस हम ज्यादा दे सकते हैं। हाँ, और लोगों को उम्मीद होती है कि नहीं यार हमारे बजट के अंदर आ जाएगी चीज, चलो ठीक है जल्दी बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि सबको जल्दी चाहिए, एकदम। हाँ। चाहिए। देखो तो, ये सारा घुमा फिरा के वेटिंग पीरियड वाला जो केस है ना, उसका फायदा पहले भी हम इस बारे में वीडियो बना चुके हैं कि कंपनीज को ही होता है, वेटिंग पीरियड का डर दिखा के आपसे बुकिंग ले ली जाती है, बंदा आपको एसेसरीज भी दी जाती है कि जल्दी गाड़ी मिल जाएगी, तो एसेसरीज आपको लेनी पड़ेंगी, ये भी मतलब एक वो झांसा दिया जाता है। ऑलरेडी इस पे एक पूरी वीडियो में बना के डाल चुका हूँ, आइकन में आपको मिल जाएगी। एग्जैक्टली तो देखो वेटिंग पीरियड वाला वही कहानी हो गई साफ साफ जो सामने खुल के आई, कि भाई पहले वेटिंग पीरियड दो, लोगों को पैनिक करो और हाइप बनाओ गाड़ी। एक कंपनी का नहीं है ये, सब कंपनीज का ही है, पहले उसको इतना ऐसा दिखा दो कि भाई आपको तो मिलेगी नहीं, और आप उसके लिए क्रेजी हो जाओ कार के लिए। आजकल यही हो रहा है, लोग कार्स के लिए क्रेजी हुए पड़े हैं कि भाई मिली नहीं रही, और फिर उसको ज्यादा पैसे देके आप खरीदो, उसकी डिमांड बढ़ाना। हाँ, तो अभी बात करते हैं जैसे कि थार की। भाई थार को इसका जो है कॉम्पिटिटर माना जा रहा है, जो 4x4 है, 4x2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 4x4 की बात करेंगे क्योंकि दोनों गाड़ियां 4x4 में है। तो थार का प्राइस जो है इससे लगभग 1 लाख के ऊपर जा रहा है, अगर हम देखें तो 13.87 लाख से थार मिलनी शुरू हो जाती है आपको पेट्रोल में।
देखो अभी तक हमें लगता था कि थार की बहुत हाइप है और थार थोड़ी सी महंगी है, जितनी उसे होना चाहिए उससे थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसका प्राइस देखने के बाद तो लग रहा है थार फिर भी ठीक है, बिकॉज इसका प्राइस थोड़ा मुझे तो पर्सनली ज्यादा ही लग रहा है। थार को भी देखो तो थार का एटलीस्ट इंजन तो 2 लीटर है। हाँ, और दूसरा जो डायमेंशन थार के वो ज्यादा अच्छे है, डायमेंशन में मतलब चौड़ी है इससे बहुत ज्यादा, हाइट उसकी काफी अच्छी है, इसकी हाइट बहुत छोटी है, और लेंथ वाइज भी मतलब जैसे ये 5 डोर है और थार जो है 3 डोर में आ रही है, तो लेंथ वाइज भी थार इसके ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत ज्यादा ये लंबी नहीं है थार से, हमें लगता है ऐसा है कि बहुत लंबी होगी थार से क्योंकि 5 डोर है, लेकिन वो उसी चीज को ना थोड़ा और छोटा छोटा करके ना गुस्सम गुस्सा सी करा के और एक साथ मतलब उसमें 5 डोर कर दिए इन्होंने। हाँ। तो कि भाई एक सीट पीछे भी दे दो अब, और है 4 सीटर ही फिर भी। हाँ। 4 सीटर इसलिए क्योंकि विड्थ छोटी, हाँ कम है, तो पीछे 3 लोग तो बैठ ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मतलब प्राइस तो देखो ओवर है, और ये मैं नहीं सब लोग बोल रहे हैं, सबको पता है, फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस जो भी जिन्होंने बुकिंग करा रखी होगी तो वो बताएंगे, बाकी जो असली पता चलेगा वो उस पर चलेगा भाई जिन्होंने बुकिंग करा रखी है उसमें कैंसिल कितने करा रहे हैं और डिलीवरी कितने लोग ले रहे हैं जिमनी की, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली पता तब भी चलेगा जब ये मार्केट में आएगी और थोड़ा चलेगी। हाँ। तो पता लगेगा कि भाई जैसा इसका पहले जिप्सी आती थी ना तो उसके मुकाबले में है भी या कुछ कम तो नहीं रह जाती, क्योंकि जिप्सी कैसा पहाड़ों के लिए बहुत सक्सेसफुल थी। हाँ। तो ये उस चीज पे खरी उतरती भी है या नहीं। हाँ। तो ये सारी चीजें मार्केट में आने के बाद ही पता चलेंगी, बट अगर मोटा मोटा कहा जाए तो देखो मेरे को 2 लाख ये महंगी लग रही है। हाँ। अभी फिलहाल, और 2 भी छोड़ दो तो 1 लाख तो पक्का पक्का महंगी है। तो टेस्ट ड्राइव लेके ना पूरा पता चलेगा भाई चलाने में कैसी है, कंफर्ट कैसा है एक्चुअल में चलाने में, क्योंकि बैठ के और जब चलाते हैं ना उसको हम रोड पे तो उसमें ना बहुत अंतर हो जाता है, कई बार आपको मतलब कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो, हैंडलिंग कैसी है, ये सारी चीजें, हेड स्पेस तो खैर पीछे तो है ही नहीं उसमें ज्यादा, तो वो सारी चीजें ना आपको जब बैठते हो गाड़ी के अंदर और चलाते हो तब फील होती है, तो वो भी टेस्ट ड्राइव जैसे अभी मिलेगी तो उसके बाद देखेंगे भाई कैसा एक्सपीरियंस रहेगा टेस्ट ड्राइव का। अब ये प्राइस बढ़ने के क्या क्या कारण है, इतना मतलब प्राइस हाई क्यों रखा, एक तो देखो सबसे ज्यादा बुकिंग्स, दूसरा इतना मतलब लोगों को पैनिक कर दिया, इतने खींचा प्राइस को वहां से, लोगों काफी लोगों ने खैर कैंसिल कर दिए बीच में भी, बुकिंग कैंसिल कर करके दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट हो गए वो, और तीसरी चीज है हाइप। हाइप कैसे बनाई इन्होंने, प्राइस देने से ठीक कम से कम 1 महीना पहले से आपने बहुत वीडियो देखी होंगी भाई देहरादून के अंदर एक नदी के अंदर एक ही वो घूमे जा रही है, और हर यूट्यूबर को बुला के भाई ले बनाओ तुम भी बनाओ, हर यूट्यूबर ने वो मतलब डाली है कि भाई ये देखो नदी में पानी से निकल गई, यहाँ से निकल गई, वहां से निकल गई, हाइप जो है इस तरह से उसकी बहुत ज्यादा 1 महीना पहले से, ये पूरा आपने YouTube पे देखा होगा जिमनी डालोगे देहरादून में, एक ही लोकेशन, एक ही नदी और देहरादून के पास की लोकेशन है और एक ही जिमनी आपको दिखेगी, लेकिन दिखेगी हर चैनल पे YouTube के, तो मतलब सबको बारी बारी से बुला के भाई अब आप बना लो, अब आप बना लो, अब आप बना लो, इस तरह से किया गया है, तो वो सब जो तरीका था हाइप बनाने का ही था, क्योंकि प्राइस भी देना था इनको और प्राइस ऑलरेडी लेट भी कर दिया था तो देना तो पड़ता ही अब कभी ना। हाँ, कभी। और देखो कैसा होता है जब आप एक यूट्यूबर हो ना और कंपनी आपको इनवाइट कर रही है किसी चीज की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। हाँ, या मतलब ऐसे बुला रही है, तो आप उसकी बुराई नहीं कर पाते, नहीं कर पाओगे आप बिल्कुल भी। हाँ। मतलब ये मैं अपनी भी अगर बात बोलू, मैं जाके किसी शोरूम में रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं गाड़ी की बुराई मतलब चाह के भी नहीं कर पाता हूँ, कई बार मुंह पे तो कर ही नहीं सकते। हाँ। बाद में चाहे आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो पर उस टाइम पे तो बुराई नहीं कर पाते, तो इसलिए बेटर होता है जब भी आप कोई भी कार के बारे में कोई वीडियो देख रहे हो तो आप कोई ऐसी वीडियो देखो जो बंदा मतलब यूज कर रहा है या तो। हाँ, उसको या फिर किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस हो। हाँ। तो वो ज्यादा बेटर रहता है, या फिर वही ओपिनियन मिल रहे हैं आपको किसी को, कोई अपना उसका, हाँ उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है तो right. तो वो सारी चीजें ना वो वीडियो ज्यादा हेल्पफुल होती है नई गाड़ी खरीदने के लिए, ना कि वो जो शोरूम में जाके रिव्यूज हो रहे हैं। हाँ, जो शोरूम में रिव्यूज होते हैं वो वॉक अराउंड रिव्यूज होते हैं, उसमें बस वो कौन सी लाइट है, कौन सा LED है, कौन सा क्या है, इससे आगे चीजें नहीं बढ़ती, बस फीचर्स का पता चल जाता है आपको। हाँ, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी आराम से, उसके लिए आप बेशक वो वीडियो आराम से देखो फीचर्स जानने के लिए। हाँ,
हाँ, बट अगर आप लेने का सोच रहे हो और आप चाह रहे हो कि भाई एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप यूजर का किसी का ओपिनियन जो शेयर किया होता है वो देखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो देखो जिम्नी लेना फायदे का सौदा रहेगा या नहीं रहेगा ये तो खैर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही पता चलेगा कि भाई कार कैसी है, कैसी उसकी हैंडलिंग है, ये सारी चीजें, बैठ के कितना स्पेस मिल रहा है आपको, क्या हो रहा है, सारी चीजें। बट फिलहाल अगर मैं प्राइस की बात करूं जो कि सामने है, प्राइस ओवर तो है, ये तो बात माननी पड़ेगी, अराउंड 2 लाख के आसपास ओवर मुझे लग रहा है। मतलब ये 10:30-11 तक जाता तो फिर एक जस्टिफाई प्राइस था, अच्छा प्राइस होता वो बेस वेरिएंट का। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई आपकी क्या राय है और क्या मन बन रहा है, जिन्होंने बुकिंग करा रखी है वो खरीद रहे हैं या फिर बुकिंग अपना कैंसिल करने का सोच रहे हैं, जो भी मतलब आपका अपना ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, शेयर भी कर देना आगे, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लेना, आगे ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।